पंडित जी जी, तिलक के दिन कब तय कर जाओ? तिलक के तो कल बहुत बढ़िया दिन बा, सवेरे 10 बजे से 12 बजे के दिन, और अगला सप्ताह शुक्रवार के दिन बा। ना ना, अगला हफ्ता तक इंतजार करे के जरूरत नहीं है, हम कल ही चल जाएं। बाकी पंडित जी बताएं कि ब्याह के दिन कब तय कर जाओ? एक बार लड़का और लड़की के कुंडली आ जाए तो दोनों के मिला के बढ़िया से बता दे। अरे पंडित जी, आजकल कुंडली उंडली पे के विश्वास करेला? हम तो दीदिया से पूछबो गई निया कि विजय बबुआ के कुंडली बा, तो वहाँ के कहली कि आजकल के पढ़ल लिखा लड़का ई सब पे बिलीव ना करेला। अरे छोड़ी पंडित जी कुंडली फुंडली के, हम ई सब ना मानेंगे। बड़का कुंडली देख के तब बीकी बबुआ के हमार ब्याह करेले नहीं रहुआ, तब भइल का? ई तो ठकुराइन की इच्छा बा कि हम शादी के दिन तय कर रहल बानी। अगला महीना 6-7-12 तारीख दिन बा, तकरे में दिन देख के ठीक कर ली। ठीक बा, तो वही दिन तय कर जाए। बाकी हाथ में समय कम बा, रहुआ चिंता मत करी, सब बंदोबस्त हो जाए। अच्छा ठीक बा पंडित जी, रहुआ शरबत पानी करी, हम जाते नहीं, कुछ जरूरी काम बा। प्रणाम। चलो रे मटर गाड़ी रेडी करवा। चलो लगा था पंडित जी। पंडित जी वो और बात बता दे के बा, रउआ तनी हमार हाथ देख के ई बताई कि हमार बिजनेस जे बा वो सक्सेसफुल होकी कि ना। पंडित जी पहले ई बताई ना कि हमार पोता होकी कि पोती। बड़की बहुड़िया माँ बनने वाली बाड़ी ना? बड़की ना मंझली दुल्हन के बारे में पूछा था नी। सब ऊपर वाला के खेल बा। पंडित जी रुआ तनी बताई ना, अपने के बुद्ध बहुत प्रबल बा, अब बिजनेस बा से बहुत आगे बढ़ी, कोई चिंता के बात नहीं थे। बताई ना पंडित जी पोता होगी कि पोती, क्या फर्क पड़ा था ठकुराइन जी, बेटा हो चाहे बेटी। रुआ ठीक कहता नी, बाकी वंश चलावे खातिर ई भी जरूरी होला। चिंता ना करी, पोता के मुंह देखला के बाद दुनिया से जाल जाई। बाकी रउआ हमार लल्ला खातिर भी बोलले रही कि ओकर भविष्य बहुत उज्जवल बा, बाकी ओकर जिंदगी तो अंधार में डूब गई। हम अबो कहता नी बिक्की के भविष्य उज्जवल बा, राहु आ केतु ओकरा ई हाल कहले बा, जे दिन ये दोनों हट जाए बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर ऐसन हो जाए ना पंडित जी, तो हम रउआ नामे ठाकुर साहब से कह के 5 कट्ठा जमीन करा दे। तनुजा। अरे रमा दीदी आई ना। का बात बा तनुजा, आज तो कमरा से कोई बाहर ना निकल लो। विक्की बाबू जाए देस तब ना, देखी ना कैसे हाथ पकड़ ले वाला। भैया तो एकदम लड़का निहर हो गई बाड़न, लड़काई में भैया माई के बगल में सूते खातिर हमरा से खूब लड़ाई करत रहला ना। आखिर में माई हम दोनों जना के दोनों बगल में सूता के बीच में सूतत रहली है, रात भर भैया माई के हाथ पकड़ के सुतत रहला ना। और जब माई भोर में उठ के जात रहली है ना, तो हमार हाथ उनका हाथ में धर के चल जात रहनी है, और भैया भी ई समझ के सुतत रहलन कि वो माई के हाथ आ। अच्छा तो रउआ लोग बचपने से कहे खूब बेवकूफ बनेले वानी। अरे नाना हमार भैया बेवकूफ ना रहलन, हमार भैया तब पढ़ाई लिखाई सब में बहुत तेज रहलन है, और बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलत रहलन। अच्छा हाँ, और पता बा हमार छोटकी बहुजी से भैया के मुलाकात कहाँ भई? कहाँ?
बनारस में भैया क्रिकेट खेले गए रहन, हुए पर भौजी के देखलन, बस देखते ही दीवाना हो गयलन। अच्छा हाँ। फिर इन लोग की शादी कैसे भेल? बस भैया अयलन और बाबूजी से जाके कह देलन कि हम शादी करब तान राधा से, ना तो ना करब। और बाबूजी भी छोटकी भौजी के देख के एक बेर में हाँ कह देलन और हो गई शादी। इतना के लेके कौन डाल सकेला? एक महीना के अंदर सारा खुशी गम में बदल गई। होनी के डाल सका था? जॉन भी भइल वो भगवान के मर्जी से भइल बा। अच्छा अब हम चला था नहीं। ठीक तनुजा, हमें वो बात सुननी है कि तहरो बिया ठीक हो गई बा? माता ऐसा कौनो बात नहीं की। इमे सरवाबे के कौन बात बा? सारा जैसन लड़की से जौन लेका के भी बिया हुई ना, ओकर किस्मत तर जाई। भैया जल्दी में बानी का काहे? भैया हम रउआ से कुछ कहे के चाहता नहीं। देखा जे कहे के बाद जल्दी कहा, हमारे एक जरूरी मीटिंग बा। भैया रउआ पहले बैठी ना, काहे कि हम जे कहे के चाहता नहीं वो हमने दोनों के भविष्य के बारे में बा। कहा भैया बात हम विजय और रमा के ब्याह के बारे में कर रहल बानी। काहे इमे का खराबी बा? विजय होनहार संस्कारी लड़का बा, रमा खुश रहे। बात भैया खुश और ना खुश होए के नहीं खे, बात घर जमाई बने के बा। देखा संजीत, बाबूजी जे करी है रमा खातिर बेहतर करी है। हमरा बाबूजी पर पूरा भरोसा बा। भैया बात भरोसा के नहीं खे, वो शायद भविष्य के बारे में नहीं खी सोचत। कहीं अगर विजय हमनी के घर में घर जमाई बन के आ गई और हमनी के बिजनेस पे कब्जा कर तो हमनी का कर जा। और वह बाबूजी का आदत तो जानते बानी, केकरो पे भरोसा कर ले। अब देखी ना शंकरवा आयल रहे राइस मिल के हड़ताल सड़तावे खाते और ओकरा के सुपरवाइजर बना दिला। तब तो हार डर यह बा कि विजय सारा बिजनेस पर कब्जा कर ली है। बाकी संजीत तू एक बात भूल रही बारा, बाबूजी विक्रम पर भी भरोसा करत रहिलन। ता एकर मतलब ता ई होला कि जे होनहार होई बाबूजी ओकरा पर ही भरोसा करी। अब अगर तू भी कौनो भरोसा के काम कर देबा ता तू भी वो मुकाम हासिल कर सकेला। देखा संजीत, रमा हमनी के एक एगो बहन बिया उहा अपाहिज। अब अगर कौनो लड़का ओकरा के अपना रहेल बा ता एसे बढ़ के खुशी के बात और का हो सकेला। रहेल बात बिजनेस के ता हम अपन एक्सपोर्ट के बिजनेस में खुश बानी, बाकी के बिजनेस तू लोग संभाल लिया। भैया कहीं बात ऐसन तो नहीं है कि विजय जे बाड़न भौजी के रिश्तेदार बाड़न यही से रुआ जे उनकर? संजीत तू भूल रहेल बाड़ा कि हमार अपन ससुराल से कौनो रिश्ता नहीं खे। बाकी तुहार मन में जे सवाल बा तू बाबूजी से काहे नहीं का पूछ ले। अब हमरा के जाए के बा। मतलब तो यही हुई कि रमा के ब्याह विजय से हो के रखी। बहुत
जी अपन चाल में कामयाब हो जी। मैंने कितनी बार परी से कहा कि जब मैं बाहर जाऊं तो वो मेरे सामने रहा करे, मगर पता नहीं उसे ये खेल इतना क्यों पसंद है कि वो ठीक उसी वक्त कहीं छिप जाती है। लगता घाव सूख गए, अब पट्टी बांधने की जरूरत नहीं। खे हले दूध छोटका बबुआ बड़ा शांत हो गए। हाँ, पर ये कहे मैम साहब? डॉक्टर साहब नीम के दवाई दिले बन, शायद ओकरे असर बा, दिमाग एकदम शांत हो गए बा। इनका चुप रहल हमको तनिको अच्छा नहीं खेला गया। अच्छा तो हमरो नहीं खेला गया, बाकी हम कितना कोशिश करता निका के हंसावे के बुलावे के, बाकी कोनो असर नहीं किया। मैम साहब एक बात मानी, रो एम आई हम कोशिश करके देखा था। बबुआ छोटका बबुआ गाजर के हलवा खाए, गाजर के हलवा। छोटका भैया गुलू 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 परी 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 बिजली चमका था, बारिश हो था। भीम साहब अब कहा हो? बारिश हुई और कहा हो ना, पर कहे के मतलब ये का कि माई जी और ठाकुर साहब इलाहाबाद गए बार। माकी वो लोग तो कल जाए वाला रहलन ना? हाँ, पंडित जी बतेलन कि सुबह के शुभ मुहूर्त बा, यही खातिर राते राते निकल गए। रुआ चिंता मत करी, सब ठीक हुई। ऐसन मौसम में कोई घर के आदमी बाहर होला तो हमार रुआ खड़ा हो जाला। छोटका बबुआ के घटना के बाद हमने सब डरत रहले। चिंता मत करी महाराज जी, भगवान पर भरोसा रखी, सब ठीक हो। हाँ, अब तो सब कुछ उन करे हाथ में बा। जय भोले भंडारी, रक्षा करी, रक्षा करी। परी, परी। कुछ होना हुई, सुनी? विक्की बाबू, अब सुन जाए। आराम से सुती, कुछ ना मिलो। बदतमीज के हा, तनी देखी था? रुका देखा था। ये कौन है रे? केकर हिम्मत इतना बढ़ गईल बा? बाबूजी,
ता लागा ता रंजीत बाबू इनकरे बेटा हवन। ये एको मौका बा बदला लेवे के। जितना बेइज्जत होकर उ घर से हमके निकालले बाड़ी थकुड़ाइन, उतने खून के आंसू हम ना रुला देनी ता हमरो नाम सारिका ना। गाड़ी चलाओ। I'm sorry, हमरा खातिर रउआ के ये हमार घर बा। आज अगर रउआ रास्ता में ना मिल जाती ता वो गुंडा लोग तो हमार इज्जत पे जरूर हमला कर देतन। हम रउआ के शुक्रिया कैसे अदा करी? मेहरबानी कह के रात के वक्त रास्ता पे अकेले ना निकलल करी रउआ। घर तो काफी बड़ा बा। ई तस्वीर ई तो हम बानी और आई हमार सहेली सुमित्रा बारी का रउआ जानी ले का? ना ना हम कैसे जानब भला। हाँ वे ता एकर मतलब रंजीत बाबू जरूर सुमित्रा के पति हवन। हमरा खातिर अनजान बनर रहला में ही भलाई बा। बोला गाड़ी घुमावा ना भोला चला। ई रउआ का कहता नी जी, एगो शुभ काम खातिर घर से निकलला के बाद वापस लौटे से अमंगल होई। अब अमंगल और मंगल का हुई ठकुराई? जे होके के रहे तो हो गई। सुनी जी शांत हो जाए। कैसे शांत हो जाए ठकुराई? आज तक न हमरा खानदान में कोई ऐसा कैले हुई न सोचले हुई। घर में एक औरत के रहते दूसरा औरत के साथ छी छी। देखी जी हम रउआ से विनती करतानी, ई कुल भुला के तनी अपन बेटी के बारे में सोची। अगर बड़की दुल्हन के पता लग गई तो ओकर तो जिंदगी बर्बाद होखबे करी, साथे साथ रमा के बियाह हो टूट जाई। ठकुराइन एकर मतलब कि हम गलत बात के सपोर्ट करी? ई हम कहां कहनी, रउआ जे करे के बात से करी। बेटा से कही बाकी बड़की दुल्हन के कुछ पता ना चले के चाहिए। अगर वो कुछ ऊंच नीच कर लेलस तो हमनी कहां के रहब जा का करब। ठकुराइन इंसान अपना तकदीर के आगे कितना मजबूर हो जाता। नाम है सूर्य प्रताप सिंह, सूरज जैसन रोशनी और सिंह जैसन प्रताप, बाकी चिराग तले अंधेरा। भोला जे कुछ भी देखला सुनला अपन करेजा में दफना दे।